मुझे 30 डेज चैलेंज करना है। चलिए चलिए चलिए। इतना सारा पानी जम गया है। फिर मछली या 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 आटी आटी। दादा खुशी, मामा, दीदी पुष्की, दादा अभी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आपको चित्री नहीं। तो सुबह सुबह मैं आज उठ गई हूँ। सुबह सुबह क्या बोलूँ, मतलब 7:33 हो गया है, अभी तो 35 भी हो गया है शायद, और बाहर अभी भी इतना अंधेरा है, क्या बोलूँ। तो मैं उठते ही देखती हूँ कि 7 बज गए हैं। फिर मुझे ब्लॉग भी पोस्ट करना था। कल हम लोग एक भैया की शादी पर गए थे, मतलब मेरे ओविदा के फ्रेंड के, मतलब राजादा की शादी पर गए थे, तो वही ब्लॉग मैं पोस्ट कर रही थी। और बाहर गई, इतना बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, कल मतलब 3-4 दिन से बारिश हो ही जा रही है, पता नहीं कब रुकेगा, रुकने का कोई नाम ही नहीं है। खैर अच्छा भी हो रहा है, मतलब थोड़ा ठंडा है क्योंकि इतना गर्मी पड़ रहा था ना कुछ दिन से, क्या बोलूँ। लेकिन इतना बारिश होने से यार, मतलब क्या बोलूँ, मेरे दिमाग में बहुत क्या क्या सोच आ जाती है कि दूसरे लोग कैसे रह रहे होंगे, जिनका थोड़ा प्रॉब्लम होता है वो लोग कैसे रह रहे होंगे। मतलब वीडियोस वगैरह देखते देखते मेरा दिमाग खराब हो गया है। ओह माय गॉड, अगर मैं दूसरों को थोड़ा से भी दुख में देखती हूँ ना, पता नहीं मुझे इतना दुख लगने क्यों लगता है। मतलब मैं उस चीज से मूव ऑन नहीं कर पाती हूँ यार। मतलब आप लोगों को देखकर ये लगता होगा कि ये लड़की ऐसा नहीं, ये मुफट होगी थोड़ा, लेकिन मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ, लेकिन दिखाती नहीं हूँ किसी को, और आप लोगों को बाहर का नजारा दिखाती हूँ। इधर का मैं नहीं खोलने वाली हूँ, आज मैं फिर से सो जाऊंगी। खोलेगा 8 बजने वाला है, ऐसा लग रहा है कि क्या बोलूं मैं, सुबह के 4 या 5 बज रहे हैं अभी भी, बारिश तो रुकने का कोई नाम ही नहीं है यार। अरे यार कारण भी चली गई है, मतलब क्या बोलूं, वैसे तो ऊपर एक अंधेरा है। मैं सोच रही थी कि पढ़ाई करूंगी क्योंकि मेरा एग्जाम आ रहा है, और कारण भी चला गया गाइस, अभी ये जानना खोलना ही पड़ेगा। एक्चुअली ना मेरा सुबह सुबह ब्लॉग करने का ये रीजन है, मैं सोच रही हूँ कि मुझे 30 डेज चैलेंज करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है, इससे पहले जो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था 30 डेज चैलेंज का, उस पर मैं बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई थी गाइस। तो मुझे इसमें अभी 5 होना ही है, इस चैलेंज मुझे कम्प्लीट करना ही है जो भी हाल हो जाए। सो बेसिकली ये होने वाला है मेरा खुद से चैलेंज कि मैं अपना जुबान रख पाती हूँ कि नहीं। तो मुझे ये 30 डेज चैलेंज कम्प्लीट करना ही है जैसे भी हाल में गाइस। सो बेसिकली ये होने वाला है 30 डेज चैलेंज का फर्स्ट डे गाइस। और फर्स्ट डे में कुछ ऐसा हाल हो गया, कारण भी चला गया, नजारा भी कुछ ऐसा है, पता नहीं अभी क्या ब्लॉग करना है, एक्सेप्ट तो मैंने कर दिया चैलेंज। सो चलिए, एक्साइटेड हूँ, ब्लॉग कंटिन्यू या। और मेरा 27 से एग्जाम भी है, 27 जून से। खैर कोई नहीं, ब्लॉग करना ही है मुझे, पढ़ाई तो वैसे भी नहीं करती हूँ तो ब्लॉग ही कर लेती हूँ ढंग से। सच चलिए चलिए चलिए, 30 डेज चैलेंज का फर्स्ट डे स्टार्ट करते हैं गाइस। बज रहे 8:30 और नजारा कुछ ऐसा हो गया, इतना अंधेरा हो गया। मैंने सोचा था थोड़ा रुक गया था बारिश, तो मैंने ब्रश वगैरह कर लिया और मैंने सोचा कि शायद अभी रुक जाएगा बारिश, लेकिन आप लोग देखो देखो जस्ट देखो, मतलब क्या बोलूं मैं इसको, अभी ऐसा लग रहा है कि आसमान चीर कर पानी नीचे आ रही है पूरा दिन, पता नहीं क्या होगा गाइस अभी। हे गाइस, सो मैंने खाना खा लिया, खाना खाते खाते मेरा 12 बज गया था, और अभी मैं नहा धोकर मस्त तैयार हो गई हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ काकी कृष्णा लोगों के घर, क्योंकि काकी ने मुझे कॉल करके बोला कि पूछ की आ जाओ, थोड़ा गप्पे मारते हैं। सो हाँ, टाइम पास करने के लिए जाना है, क्या करूँ मैं अभी घर पे बैठे बैठे। और इधर देखो कितना सारा पानी जम गया है, शायद कहीं से मछली आ जाए इधर, फिर मछली पकड़ूंगी मैं। अभी तो बहुत जगहों पर, मतलब जो घर के आसपास जिधर जमीन होता है, जिधर धान वगैरह गाड़ते हैं, उधर तो मछली मिलने लग गया है गाइस शायद। सो गाइस,
मैं अभी रिटर्न घर जा रही हूँ क्योंकि मैं रास्ते से घूमकर जा रही थी काकी लोगों के घर पर, फिर इधर पहुँच कर देखती हूँ काकी लोग प्रेमी को हॉस्पिटल लेकर जा रही क्योंकि प्रेमी का थोड़ा सा बुखार है तो डॉक्टर दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं। सो मैं रिटर्न जा रही हूँ घर पर, अभी पता नहीं क्या करूँगी। या मैं आए उन लोगों के घर पर जा रही थी और मुझे याद आया मैंने तो दवाई नहीं पी अपनी। सो वापस आ गई हूँ, अभी हम दवाई पियेंगे गाइस। क्या कर सकते हैं और घर पर ही रहना पड़ेगा अभी। सो दोस्तों मैं सो गई थी, जस्ट अभी उठी हूँ क्योंकि काकी मेरे को कॉल किया और काकी कॉल करके बोलते हैं कि बारिश तो हो रही है, चलो आज रोटी बनाकर खाते हैं। या क्योंकि आज हम सिर्फ 3-4 है, मैं काकी अबू और पुची और मेरा भाई, मतलब उन दोनों का मिला के 4। सो गाइस सॉरी, भैया भी है, मतलब छोटा भैया, बड़ा भैया तो काकू के साथ बारह विषय चला गया है। सो अभी हम बनाएंगे रोटी रोटी टिंगरिंग रोटी टिंगरिंग। पुची सपोर्ट करता है अगर मैं कुछ ऐसा करती हूँ, लेकिन आज पुची नहीं है मेरे साथ क्योंकि पूछी गया हुआ है ट्यूशन पर, तो अकेले अकेले रोटी रोटी टंगरंग रोटी करना पड़ रहा है। मैं उस दिन मेला पर गई थी फालाकटा पर, उधर से मैं ये लेकर आई हूँ। ये कौन लिया? तुम? तो किसने ले लिया मेरे से? दीदी पूछी ने। क्या बनाए? ओ रोटी बना रही हो, दिखाना ये जो बेला है इतना सारा, किसके किसके लिए बताओ तो? दादा खुशी, मामा, दीदी पुष्की, दादा अभी, बाजी डीटू, आई हिंजाओ, अपने दादा खुश, अपने बाजी डीटू, अपने दादा को पास, अपने प्रेमी, अपने आई बाबू, अपने आई हिंजाओ, अबाऊ, बाबा, सबके लिए एक एक करके तो इसको रोटी बनाने के लिए। तो इधर मैंने बेल दिया है और जगह नहीं है इसलिए ये सब है अभी भी पेंटिंग पर, क्योंकि भैया अभी भी सब्जी बना रही है। और ये इसका नाम क्या रखोगे पूछी? क्या रखेंगे कॉपी में क्या रखेंगे खाएंगा जाएंगा हमें। गाइस तो मेरा डिनर हो गया, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था रोटी बनाई मैं और भैया ने सब्जी बनाया है, सब्जी क्या बोलते हैं इसको, दाल की सब्जी थी जो हाफ हाफ करके दाल होते है ना वो वाला, उसको भी क्या बोलते मुझे नहीं पता, हम लोग तो चना दाल बोलते हैं। सो हाँ भैया लोगों ने, काकी लोगों ने, मेरे भाई ने भी रोटी खाई, लेकिन मैंने चावल खाया गाइस क्योंकि मैं चावल के साथ इतना ऑब्सेस्ड हूं ना क्या बोलूं, मतलब
अगर चावल ना खाऊं तो मेरा दिन नहीं जाता है, और मुझे रोटी इतना भी नहीं पसंद कि मैं रोटी के लिए चावल छोड़ दूं। तो हाँ, मैंने चावल ही खाया सब्जी के साथ, और भाई ने मुझे पकौड़ा ला कर दिया था, चिकन लॉलीपॉप चिकन पकौड़ा, वो उसके साथ खाया मैंने, और वो चना दाल सब्जी के साथ ही खाया मैंने। या मेरा डिनर कंप्लीट हो गया गाइस। सो आज का मेरा 30 डेज चैलेंज का फर्स्ट डे कंप्लीट हो गया है। आज का ब्लॉग यही तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दो, और मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज, और मुझे ढेर सारा सपोर्ट करो, प्यार करो, ताकि मैं और आगे बढ़ूं। और वीडियो कैसा नहीं लगता है कमेंट करके जरूर बताओ आप लोग यार। सो खेटाड़ा, बाय बाय।